आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा नीना गुप्ता की। नीना गुप्ता ने जब से अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है तब से नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नीना की किताब सच कहूँ तो में उन्होंने अपने को एक्टर रहे सतीश कौशिक को लेकर एक दिलचस्प राज बताया है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा नीना गुप्ता ने जब से अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है तब से नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नीना की किताब सच कहूँ तो में उन्होंने अपने को एक्टर रहे सतीश कौशिक को लेकर काफी दिलचस्प राज बताए हैं। नीना गुप्ता ने बताया है कि जब वह क्रिकेटर विवियन रिचर्ड की बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म देने वाली थी उससे पहले सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। सतीश कौशिक ने नीना के प्रेग्नेंट होने के बावजूद उनसे शादी करने की इच्छा जताई थी। नीना ने बताया कि सतीश ने तब कहा था कि अगर उनका बच्चा डार्क स्किन पैदा होता है तो शादी के बाद वह यह कह सकेंगी कि यह सतीश कौशिक का बच्चा है। हालांकि नीना ने सतीश के ऑफर को ठुकरा दिया था। बता दें कि नीना गुप्ता और सतीश कौशिक ने मशहूर फिल्म जाने भी दो यारो मंडी में साथ काम किया था। नीना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह भी बताया है कि बिन ब्याही माँ बनने का नतीजा यह हुआ कि उन्हें नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लगे। नीना का कहना है कि हमारे समाज में स्ट्रांग महिला होना गलत माना जाता है, इसीलिए उन्हें नेगेटिव रोल्स ही ऑफर होने लगे। बता दें कि नीना गुप्ता ने फिल्म बधाई हो से बॉलीवुड में दमदार और जोरदार वापसी की थी। इसके बाद वह फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान और वेब सीरीज पंचायत में भी नजर आई थी जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। नीना गुप्ता हालिया रिलीज फिल्म सरदार का ग्रैंडसन में भी नजर आई थी जिसमें अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह मुख्य किरदार में थे। अभी नीना गुप्ता अपनी अगली फिल्म गुडबाय की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना और पवेल गुलाटी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये दिलचस्प राज, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।